school? Yeah. Happy with दो शाही को क्या खिलाया? ये होता है गिफ्ट। आई शॉविक थी? शॉविक दाव। इधर ही थी। दो में दो में अभी अभी कॉल है। इसका वो भी चला। इसको मैं जाऊँ आप? जाओ। ऐसी फीलिंग है बनारस रिलीजियस एक सेंटीमेंट्स एसोसिएटेड है, हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू बिकेम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज सच? बिकॉज बिस्मिल्लाह खान साहब को मैं हमेशा देखता था वो घाट पे बात करते हुए या फिर कभी शहनाई बजाते हुए। बनारस में एक दो बार गया हूँ और मुझे हमेशा वो घाट और वहाँ के जो बोलचाल, वहाँ के लोग, खाना, तो बहुत चीज़ें मुझे पसंद हैं वहाँ की। और हमारा हिंदुस्तान तो वैसे भी हर चीज़ में आगे है, खूबसूरती हो चाहे भाषा की बात हो, खाने पीने की बात हो, घाट हो, समुंदर हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, खूबसूरत चीज़ें हैं तो वो हिंदुस्तान में हैं। और मैंने आज तक कोई ऐसा गाना नहीं गाया जिसमें किसी शहर का नाम हो, तो ये बनारस से जुड़ा हुआ गाना। और बनारस का नाम लेते ही अपने आप में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें जहन में घूमने लगती हैं। तो जो बनारस में रहते हैं वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा समझते होंगे कि मैं हूँ बनारस जैसा। तो बनारस की जितनी खूबियाँ हैं वो एक इंसान में हैं, तो वो गाना अपने आप खूबसूरत बनता है। शाहीन खान जी ने इस गाने को जब सुनाया मुझे तो मैंने बोला जी मैं ही करूँगा ये गाना। और इनके जो कंपोज़र हैं शौविक एंड गौरव, उन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया है, आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे, उभरते हुए कंपोज़र्स हैं। तो मैं पूरी टीम को थैंक्स बोलता हूँ। शाहीन जी, आपने चाहूँगा कि ऐसे सिंगर जो बादशाह खान के लिए गा चुके हैं, आप कितना प्राउड फील करते हैं एसोसिएट होकर? सॉरी, आप कितना प्राउड फील करते हैं एसोसिएट होकर, जुड़ के? हाँ, मैं बहुत ही लकी मान रही हूँ अपने आप को, क्योंकि शाहिद जी जैसे एक सोलफुल वॉइस के ने मेरे लिए, मेरे प्रोडक्शन के लिए गाना गाया है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है और मैं बहुत खुश हूँ। और वो खुशी की झलकी आपको यहाँ दिख रही होगी। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि मुझे बनारस के नाम में ही, मुझे लगता है श्रद्धा में इतनी ताकत थी कि ये सब हो गया। जो मेरी श्रद्धा थी उसका ये मुझे फल मिला है कि इतना अच्छा गाना हुआ, शाहिद जी ने गाया उसको, सौविक कवि और गौरव जी जैसे कंपोज़र जो हैं वो इन्होंने बहुत ही अच्छा उसको बनाया है। बिना इनके कंपोज़ के तो इनके म्यूज़िक के वो बिना आत्मा की एक बोलते ना शरीर था, तो मेरे लिरिक्स को इन्होंने जान दी है और इन्होंने उसमें चार चांद ऐसे लगाए हैं कि वो आसमान की ऊँचाइयों तक जाएगा, ऐसा मेरा मेरा खुद का फेवरेट मुझे अभी गाना है, बाकी है वो गाया नहीं अभी तक मैंने, आएगा, जल्द आएगा सर। लेकिन फिर भी शाहरुख सर के साथ के लिए गाना कितना बड़ी बात, कितना बड़ा अचीवमेंट है? मेरे ख्याल से वो एक अवार्ड लेने जैसी बात है, क्योंकि खान साहब इतने बड़े कलाकार हैं और इतने सुलझे हुए और सबके फेवरेट हैं, मेरे तो हैं ही। तो हमारा काम है गाना गाना, तो हमने गाया और हमारा काम नहीं, हमारी इबादत है गाना, तो उस चीज़ को उन्होंने सराहा। और प्रीतम दा हमारे कंपोज़र हैं, उनको भी क्रेडिट जाता है, उनको ही क्रेडिट जाता है, तो सब मिलजुल के ही होता है जी। और यही है कि बस अच्छा करते रहें आपकी दुआ से। और क्या प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट जिसके बारे में रिवील करना चाहें, कोई बहुत ही? फिलहाल तो इनके और तीन गाने मैंने किए हैं, तो वो जल्द हम लोग बता दूं अभी। तो विशा फिल्म्स ने मुझे
कुछ महीने के लिए खरीद लिया है तो अभी इनके गाने ही लॉन्च होंगे कुछ दिन तक, यही मेरे रिवील करने वाली बात है। तो बहुत अच्छे गाने हुए हैं, तो इन फ्यूचर जल्द ही आप सुन पाएंगे। और रिसेंटली अभी जो कुड़माई आपने सुना है रोके इन रानी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आप सबको। तो ऐसे प्यार देते रहें आप, और मैं रियाज करता रहूं और अच्छा गाता रहूं। बर्थडे के दिन सरप्राइज़ तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसा प्रोफेशनल सरप्राइज़ नहीं मिला कभी जिसमें मैं काम के दौरान, मतलब हाँ सेट पे स्टूडियो में ऐसा हुआ है, लेकिन वो ऐसा कभी। मैं भी बर्थडे बहुत गुपचुप ही मनाते हैं हम लोग, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करते हम लोग, दोस्त लोग ही खर्च कर देते हैं ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि अपना बर्थडे खुद क्या मनाया जाए, कोई सामने वाला मनाए तो बर्थडे बर्थडे होता है, वो फीलिंग मुझे आ गई थी। तो आज मुझे लगता है कि मैं सही था, और अभी अगले साल और ज़्यादा अच्छे से मनाया जाएगा। तीन गाने और हैं और फिर से बर्थडे के बाद में फिर दिवाली भी आ रही है, ईद भी आ रही है। अगले साल तक हम आई होप कि हम फीचर फिर लॉन्च करेंगे। और इसमें सारे गाने शाहिद भाई के हैं, हाँ बोल दो ठीक रहेगा। वो अभी इनका भी है, लेकिन और अभी बाकी डिसाइडेड नहीं है। ऐसे ये गाना लिखा भी आपने है? जी मैं लिखती हूँ, एज ए हॉबी मैं राइटर हूँ, बहुत कुछ लिखती हूँ, लेकिन प्रोफेशनली ये मेरा पहला गाना है जो मैंने बहुत अच्छा लिखा है, मतलब स्टेप किया है कि मैं अब मार्केट में कर सकती हूँ काम प्रोफेशनली। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इनको ये बहुत पसंद आ गया, तो जब मैंने सुनाया था तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं इनका चेहरा देख भी रही थी कि ये बोल रहे ये किसने लिखा है, ये गाऊँगा पहले, तो मैंने लिखा है। जी मैं बनारस आप भी बनारस की हो, नहीं मैं बनारस की तो नहीं हूँ, लेकिन मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, और बनारस में दो बार गई हूँ पहले, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके जो घाट वगैरह देख करके मुझे ऐसे घाट जो होते हैं उनमें कुछ बहुत ज़्यादा ही एक फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे पहले तो था कि मैं एज ए जो है घाट पे जाऊंगी कुछ दर्शन करने उस पर्पज़ से, फिर मेरे मन में आया कि मैं हम लोग क्योंकि शूट करते हैं तो मैं अलग से घूमने जाएंगे, तो हम ऐसा प्लान करते हैं कि हम जाके वहाँ गाना भी शूट कर लें और हमारा दोनों काम हो जाए। देखिए इन्होंने तो फिलहाल हम ऐसा ही करके से पैसे बचाए हैं जी, ये घूमने गए थे, इन्होंने वीडियो शूट कर लिया, लिरिसिस्ट नहीं मिल रहा था, खुद गाना लिख लिया और भी पैसे बचाए आपने। नहीं नहीं ऐसे होता जी, देखिए कहते हैं कि सोच समझ के किया जाए वो साजिश होती है, नहीं जो हो जाती है वो मोहब्बत होती है। क्या था कि मैंने पहले यही कोशिश करी कि मैं किसी को बोलूं, और दो एक लोग को अप्रोच किया तो बहुत ओवर बजट बोल रहे थे लिखने के लिए। बजट नहीं बताना है इनको, नहीं वो बताऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी नहीं लेकिन वो ओवर था मेरे हिसाब से। तो फिर मैं मतलब वो 250 रुपये पकौड़े के क्यों गिन रहे हैं नहीं मैं जो है कि भाई वो सही बात बोलूंगी है ना, तो मुझे लगा कि जब मैं लिख ही सकती हूँ तो मैं ही लिखती हूँ, और वो गाना लिख लिया मैंने एक दिन में लिख लिया, फिर इसको विरदा मेरे जो डायरेक्टर हैं उनको सुनाया मैंने, बोली हाँ अच्छा है, फिर मैंने अपने जो कंपोज़र हैं शौविक कबीर के पास भेजा, लेकिन भेजा था तो वो इतना कमाल का बना देंगे ये मुझे ख्याल नहीं था, उन्होंने जब कंपोज किया तो उसके बाद तो फिर इसके बोल हैं कि ना कॉफ़ी ना बियर, यस मतलब ये जो आया है एक अलग इसमें उस पर कि कुल्हड़ की चाय जैसा, मतलब वहाँ पर इन्होंने जो रिवील किया है तो जो स्वाद चाय में है वो बाकी चीज़ों में नहीं है, तो इसमें मैसेज भी है कि चाय पीते रहें ठीक है जी। मैं चाहता हूँ मेरे कंपोजर जरा मेरा साथ दें आज, ओके मैं हूँ बनारस जैसा, मैं हूँ बनारस जैसा, हर शहर में पाओगी मुझको, मैं हूँ बनारस जैसा, मैं हूँ बनारस जैसा, मैं हूँ बनारस जैसा, हर शहर में पाओगी मुझको, मैं हूँ बनारस जैसा। शाहिन जी ने लिरिक्स भेजा था फर्स्ट टाइम, और उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ कोशिश की है लिखने की,
तो इसमें क्या हो सकता है वर्कआउट करने के लिए। तो फिर हमने कोशिश की सिंपल सा एक, मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल से ट्यून है कि अच्छा लगे, कैची लगे। फिर इस तरीके से हमारा ये जो गाना है ये बना। जी जी, क्या कुछ कहा उन्होंने, मज़ा तो काफ़ी है। नहीं, हमने पहले भी किया हुआ कई कई बहुत कुछ। और जब शाहिद भाई फर्स्ट टाइम स्टूडियो में आए थे तो मज़ा काफ़ी आया रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग सेशंस का भी एक अलग मज़ा होता है, और मतलब बहुत अच्छा सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। और फाइनली गाना मिक्स हुआ, भास्कर शर्मा ने मिक्स किया गाने को, और काफ़ी अच्छा मिक्स किया उन्होंने। और अभी आप लोग सुन रहे हो, मतलब गाना भी आया नहीं है, टीज़र आप लोग अभी है, गाना कुछ दिन में जब आएगा तो आप लोग सुनो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगे, पसंद है। क्या कहेंगे शाहिन जी के बारे में, उन्होंने लिखा है? शाहिन जी ने तो बहुत खूबसूरत लिखा, बहुत प्यारा लिखा है उन्होंने। और छोटी छोटी चीज़ों को ना उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया है लिरिक्स में, जैसे। और बहुत मतलब उन्होंने जिस तरीके से लिरिक्स लिखा है ना, एक जो यंगस्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे उन्होंने कॉफ़ी और बियर और इन सब शब्दों का किया यूज़, तो बहुत प्यारा सा लिखा उन्होंने लिरिक। यही कहेंगे कि जब गाना बाहर आएगा तो इसको प्यार दीजिएगा, सुनिएगा, और हम सबकी कोशिश है, बाकी आपके हाथ में है। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं बताऊंगी कि पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ, क्योंकि एक होता है ना, एक ख्याल आता है, तो जब वो एक ख्याल आया था तो जैसे कि शाहिद मैम ने बताया कि हम बनारस का था कि जाना है, घूमना भी है और देखते हैं, क्योंकि बनारस बहुत सुना और इन सालों में नियर काफ़ी डेवलप भी हो गया है बनारस, और फोटो वीडियोज़ में देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो जब हम बनारस गए, हमने वहाँ की वाइब फील किया, कल्चरली कितना रिच है, और घाट हर, मतलब इतने 80 घाट हैं वो कहते हैं, और हर घाट की एक अलग अपनी महिमा है, मतलब वो फील कर सकते हैं जैसे जैसे आप अलग अलग घाट पे जाते हैं। तो बहुत ही प्यारी फीलिंग थी। और फिर हम लोग घूम के आ गए, फिर शाहिन मैम ने ऐसी बस एक दिन बैठे थे तो आई, मैंने कुछ लिखा है, मैंने कहा क्या लिखा है आपने, तो उन्होंने जब मुझे पढ़ के बताया तो मैंने कहा एक तो एक होता ना कि ख्याल, इतनी प्यारी प्यारी बातें बना, मतलब जो जो चीज़ें हमने वहाँ फील की थी, हम नॉर्मली बात करते हैं, उन्होंने बड़े ही प्यार से उसको शब्दों में पिरोया था। तो हमने कहा अच्छा है, अच्छा लग रहा है, मतलब वो दैट वाज द फर्स्ट थिंग अबाउट लिरिक्स। उसके बाद फिर हमने कहा कि गाना बनता है, एक तो सौविक हैं हमारे म्यूज़िक कंपोजर, सौविक है गौरव, तो हमने गाना उनको, मतलब लिरिक्स उनको दिए, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ थोड़ा बहुत ट्वीक करेंगे और गाना करते हैं। पर हमने नहीं सोचा था कि वो गाना इतना अच्छा, मतलब एक होता ना कि लिखा है लिरिक्स कि इतना प्यारा बन जाएगा, तो वो सुन के तो हम लोग बहुत ही खुश हो गए जब स्क्रैच हमने सुना था पहली बार म्यूज़िक एंड ऑल। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब सिंगर की खोज की जाए, क्योंकि सिंगर, तो हम गाना अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे, और एक थी कि मतलब ये गाना कुछ करना है, बनारस के बारे में है, मतलब बहुत ही प्यारा इसमें है, आगे जब गाना पूरा आप सुनेंगे। तो फिर बात करते 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 शाहिद मालिया सर से कांटेक्ट हुआ, उनको हमने उस वक्त 3 गाने सुनाए, और हम लोग थे कि पता नहीं बनारस गाएंगे कि नहीं, क्या एक होता है, बट वेरी ब्यूटीफुली ही सेड कि नहीं मैं ये वाला करूँगा, मैं ये वाला सबसे पहले करूँगा। हमने कहा अच्छा है, तो एक होता ना कि वो बनारस अपने आप में बहुत ग्रैंड जगह है और बहुत ही स्पिरिचुअल है। उसके बाद जब ये गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ तो हमने सुना, तो मतलब सब कुछ अच्छा 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 हो रहा था गाने के साथ। फिर जब शूट की बारी आई तो हम बनारस फिर गए, फिर हमने शूट किया वहाँ पे, तो वहाँ की वो लोकल टीम थी तो उनको एक्सपोजर ज़्यादा था, जैसे लोकल होते हैं तो कौन सी गली, कौन सा घाट, कौन सा रेस्टोरेंट, तो वो हमने एज अ ट्रैवलर एक्सप्लोर भी बहुत किया, और हमने एक उसको स्पिरिचुअलिटी को फील भी किया, लोगों से मिले, बातचीत की, खाना खाया। सो ओवरऑल ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, और स्पेशली जब एक होता है टीज़र तक हम पहुंच गए, आज हमारा टीज़र रिलीज है, जल्द ही गाना आएगा, सो आई एम जस्ट फिंगर्स क्रॉस दैट दिस इज गोना बी आर लाइक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग फॉर वीशा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स। आप जुड़े कैसे इस गाने से? मैं इस गाने से, आप कह सकते हैं, मैंने प्रोडक्शन का सारा देखा है, और
डायरेक्शन में थोड़ा बहुत असिस्ट करना है. अजय प्रजापति जो हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, सो उन्होंने एक होता है ना कि बनारस बहुत क्राउडेड है, उस क्राउडेड में और एक होता है ना गोरिल्ला शूट करना, सेट नहीं है, बिना सेट के होता है ना कि अच्छा लोग आ रहे हैं, भीड़ कम हुई, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ ऐसा एंगल लगाना, तो ऑन द स्पॉट वो क्रिएटिविटी दिखाना, बिकॉज हम एक लिमिटेड बजट में काम करते हैं, हम पूरी क्राउड रोक के नहीं कि हम नकली क्राउड ला रहे हैं ऐसा ऐसा. सो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अजय प्रजापति के साथ काम करने का. तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो मैं प्रोडक्शन आप कहते हैं स्टार्टिंग से लेकर क्या होगा, कैसे होगा, कितने लोग जाएंगे, फिर मेकअप की बात करते हैं, तो हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया क्योंकि धूप बहुत थी, तो एक होता है ना ऐसा मेकअप करना जो एकदम अच्छा रहे, कैमरे पे अच्छा लगे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा एफर्ट दिया. सो वो था. इसके अलावा नितिन खुशवाहा जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया. और इस गाने की खासियत ये है कि ये बनारस में मेजरली शूट हुआ है, थोड़े से पार्ट हमने प्रयागराज में भी शूट किया है, सो वो हमने एक मिक्स कवर किया है. तो मैं कहूँगी कि पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया, हमारे एडिटर हैं उन्होंने भी, हम लोग ने जितनी बार चेंजेस बोले अंकित जैन उन्होंने फटाफट वो करते हैं पोस्टर से लेके, और हमारे डीओपी रवि शाह वो भी बहुत एक्टिव हैं, मतलब एक होता है ना एक्टिव इंसान, तो वो एक होता है कि आप जब आप एक लिमिटेड बजट में आपको एक अच्छी टीम मिलती है काम करने के लिए तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है. सो ये गाना आपको मैं इस मंथ के एंड तक रिलीज़ हो जाएगा, ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएगा. सो हम होप कर रहे हैं कि 28-29 तक ये गाना रिलीज़ हो जाएगा. कहाँ देख पाएंगे आप? YouTube पे देख पाएंगे. YouTube में हमारा विशा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट का चैनल है, उस पर मैं हूँ बनारस जैसा आपको बाय मंथ एंड देखने को, अगस्त मंथ एंड देखने को मिलेगा. उसके अलावा सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, Instagram, रील, YouTube शॉर्ट्स, सब जगह ये गाना होगा. सो प्लीज़ मैं हूँ बनारस जैसा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उस पर रील बनाइए, और मैं क्या बोलूँ, बस सुनिए. थैंक यू.